calculation of hidden value. हिडन बिल का मतलब क्या है? देखो विदाउट गुडविल तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो भी नहीं सकता, तो गुडविल तो होनी है, लेकिन सीधी सीधी क्वेश्चन में दी हुई नहीं, ठीक है? जब सीधी सीधी नहीं दी रखी होगी तो हमें निकालनी पड़ेगी, वो हमको क्या है, तो उस केस में क्या रहेगा, गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड मतलब सभी, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ठीक है? अभी कैसे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करेंगे, बैठ लेते समझ में आएगा। बस फॉर्मूला क्या है, नए पार्टनर के बेस पर फर्म की टोटल कैपिटल होगी, उसमें से पुराने पार्टनर नए पार्टनर सभी टोटल एडजस्टेड कैपिटल को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे फर्म गुडविल। क्या बोलेंगे? और उसमें से जो शेयर नए पार्टनर का है उसको निकाल के अपन उसको जो टीचर की तरफ हमने सीखा है वो नोट करें। क्लियर? पक्का? श्योर? नोट करो। हैव एंड नेम आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 है ना, हैव इज टू नेम, ठीक है? इनकी कैपिटल जो दे रखी हो 80,000 न्यू पार्टनर सैम फॉर जन 2017 बनकर शेयर, शेयर ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 60,000 हमें और गुडविल निकालनी है 80,000 ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल टोटल कैपिटल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वैसे न्यू पार्टनरशिप माइनस टोटल एडजस्टेड इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर है ना, तो ये टोटल टोटल ये कितना 60 लाया है, ठीक है? कितने शेयर लिए? इसका ये जो मतलब है ना, इसका मतलब है न्यू पार्टनर कैपिटल, वही पे लिखना चाहता हूं, वही का न्यू पार्टनर कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है? माइनस टोटल एडजस्ट कैपिटल इंक्लूड, आप इसको एडजस्टमेंट की है नहीं तो सिर्फ कैपिटल जब जाने की 80,000 है प्लस 50,000 है और प्लस 60,000, ये हो जाएगा 60,000 इंटू 5/1 माइनस ये हो रहा आपका 190, ये माइनस 190 दैट इज 1,10,000, ये आई है फॉर्म गुडविल। क्या ये अभी जो केस दिया है उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना अभी था, ठीक है? नोट निपटने के नाम सेम शेयर ऑफ गुडविल टोटल फॉर्म की वैल्यू 10,000 निकली है, ये तो बंदा है दैट इज 20
अब केस नंबर वन लिखा हुआ है, वो गुड़ी लेकर आता है, या सुनो से ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुड़ी, तो उसमें एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेंस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुड़ी, इतना है ये तर, इसकी तरह 60 और इसका है 20, टोटल मिला कितना जाएगा, नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू हैंड्स कैपिटल अकाउंट। आपको बकायदा जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री कर लीजिए, 3 मार्क्स मिलते हैं बाकी नहीं मिलते हैं, प्रॉपर आपको आंसर करना टू नेम्स कैपिटल, ठीक है। और साथ में नरेशन भी होना चाहिए, उसके भी नंबर मिलता है जी। न्यू पार्टनर शेयर क्या है, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रेटरी रेशियो, ठीक है, इज टू 22,000 22,000 × 3/5 यानी कि हुआ है 4,400 × 13,200 × 6 × 8,800 × 22×2/5। ये कौन सा केस है जो लोगों ने लिया गया। अब केस नंबर टू, वो गुडविल रेशियो नहीं लाता, देखना इधर केस नंबर डायरेक्ट टू सेल्स कैपिटल अकाउंट, ₹60,000, ठीक है। New capital brought in, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी गेमिंग पार्टनर टू सेक्रेटरी, सेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट द गुडविल कैश में ये क्या था, एंट्री बन गई गेमिंग टू सेक्रेटरी, सेंस कैपिटल टू हैंड्स कैपिटल एंड टू नेम्स कैपिटल, ठीक है। 13,200 × 8,800 distribution of undistributed accumulated profit reserves or losses, इसकी एंट्री बनती है इन केस ऑफ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दैट इज क्रेडिट बैलेंस,
इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट डेवलपमेंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट डेवलपमेंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट इन रिजर्व लॉस एंड कैपिटल एक्सपेंस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट टू मिसलेनियस लॉसेस अकाउंट ठीक है क्लियर नोट करो